हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आजियो हॉल और इसमें जितने भी आपको मैं आउटफिट दिखाने वाली हूं, ये सारे ही आउटफिट्स हैं अंडर ₹500। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल, बजट फ्रेंडली और साथ ही साथ बहुत ही स्मार्ट और स्टाइलिश ऑप्शन है। तो आई होप आप सब इस वीडियो को इन्जॉय करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर लीजिए और इस वीडियो को 300 लाइक्स तक पहुँचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते आए हैं उसी तरह मुझे इस वीडियो में भर भर के लाइक्स कीजिएगा और इसी तरह आपका सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज यो ट्राई ऑन हॉल से। तो सबसे पहला मेरा आउटफिट है ये मल्टी कलर्ड कलमकारी शिफ्ट ड्रेस। तो ये इस तरह की स्ट्रेट पैटर्न में आती है, ये ओवरऑल सेम प्रिंट है इसकी, बट क्योंकि ये कलमकारी मटेरियल में है तो ये बहुत ही ब्राइट और मल्टी कलर्ड ड्रेस है। ये ड्रेस है ब्रांड इंडीपिक से, तो ये आपको आजियो पे आराम से मिल जाती है और इसका प्राइस है अराउंड 420 से 430 के करीब। प्राइस के हिसाब से मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, कलर्स भी बहुत वाइब्रेंट और अच्छे हैं और इस तरह की ड्रेसेस पहनने में बहुत कंफर्टेबल और साथ ही साथ बहुत ही स्मार्ट लगती हैं। तो आई लव दिस ड्रेस। नेक्स्ट पीस है ये ग्रीन कलर का पीस, जो कि इस तरह की आई वुड कॉल इट अ लिटिल बिट ऑफ धोती स्टाइल ऑफ ड्रेस। तो ये वन पीस ड्रेस है और ये है ब्रांड माबिश से। तो मुझे इसका कलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ क्योंकि ये अफोर्डेबल रेंज में था तो मुझे इस तरह की धोती स्टाइल की आउटफिट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये पहनने पे भी बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट लगता है और आप इस तरह की ड्रेसेस को आराम से कार्ड पार्टीज के लिए, किटी पार्टीज के लिए या आने वाली दिवाली पार्टीज के लिए आराम से कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रेस है ये ब्लैक एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में कुर्ती ड्रेस। तो इसमें इस तरह से हाफ तक बटन डाउन डिटेल्स आती है और नीचे से आपको ये अनारकली पैटर्न में मिल जाती है। तो ये ऑलमोस्ट आपको एंकल लेंथ तक आ जाता है अगर आप मेरी तरह 5'1" 5'2" के करीब हाइट के हो। तो इस तरह की ड्रेसेस को आप इंडियन या वेस्टर्न दोनों ही तरीकों से पहन सकते हैं। अगर आप बेल्ट के साथ और शूज के साथ इसे स्टाइल कर रहे हैं तो आप इसे वेस्टर्न ड्रेस की तरह पहन सकते हैं और अगर आप इसे कोई भी लेगिंग्स या पैंट्स के साथ पेयर कर रहे हैं तो आप इसे एक सूट की तरह या फिर कुर्ती की तरह भी स्टाइल कर सकते हैं। ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी पारदर्शी है, यानी कि ये थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बट क्योंकि ये ब्लैक कलर में है और ब्लैक कलर के इनर्स आराम से अवेलेबल हो जाते हैं सबके पास, तो इस वजह से मैंने इस ड्रेस को रख ली है। और ड्रेस मुझे पड़ी थी अराउंड 330 और 340 के करीब, तो उस प्राइस के लिए मुझे वर्थ लगा ये ड्रेस क्योंकि इसकी प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये बटन डाउन डिटेल्स भी बहुत अच्छी है और क्योंकि ये ब्लैक ड्रेस है तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ब्लैक कुर्ती ड्रेस। नेक्स्ट ड्रेस है ये इकट प्रिंट ड्रेस। तो ये इस तरह से हाई लो पैटर्न में आ जाती है और ये बटन डाउन डिटेल में ड्रेस है। मैंने इसे स्टाइल किया है बेल्ट के साथ और मैंने इसे एक वेस्टर्न लुक देने की कोशिश की है ऑक्सफोर्ड शूज के साथ इसे स्टाइल करके। तो मुझे ये वेस्टर्न ड्रेस वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा है और अगर आप मुझे ऑलरेडी जानते हैं तो मुझे इकट प्रिंट्स और मुझे हैंडलूम के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उस वजह से आप देखेंगे कि मेरे हॉल्स में काफ़ी आपको इकट प्रिंट, कलमकारी और ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही एक प्यारा सा मस्टर्ड येलोइश इकट प्रिंट का कुर्ती है जिसे आप अगेन कुर्ती की तरह स्टाइल कर सकते हैं या ड्रेस की तरह स्टाइल कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से ये बहुत ही सुंदर लगती है। और ये भी मुझे काफ़ी थ्रो अवे प्राइजेस पे मिली थी, तो ये ड्रेस मुझे करीबन 400 के करीब मिल गई थी। मैं सारी ही प्राइजेस आपको स्क्रीन पर भी मैंशन कर दूंगी और इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट है ये कलमकारी प्रिंट की स्कर्ट, तो ये आपको नी लेंथ तक आ जाती है। ये स्कर्ट इतनी कलरफुल और प्रिंटेड है तो बेसिक ब्लैक के साथ भी ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा था। ये स्कर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छे से ओवे प्राइस पे मिल गई थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया था और इसकी प्रिंट भी मुझे काफ़ी पसंद है। आई होप आप सबने इस आजियो हॉल को एंजॉय किया और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी कोई वेबसाइट से आपके लिए रिव्यू करूं तो उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।